छठ पूजा का दूसरा अर्घ सुबह के टाइम 4:30 बजे हम लोग सबको रेडी हो गए थे, नीचे उतरे, सब लोग डाला लेके जा रहे थे। यहाँ पर टाइमिंग सही था कि अंकल और बाबू से भी मिलना हो गया। पूरा डेकोरेशन भरपूर किया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बुआ जी है, भाभी है, पीछे से दीदी आ रही है और पीछे में मम्मी भी है। ये रही मैं, मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरा साड़ी कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। साथ ही में यहाँ पर हम लोग सबको एक गीत का, छठ पूजा का गीत गा गा के चल दिए हैं। रास्ता में मिला दूध, जगह जगह पर आपको मिलेगा, आप दूध खरीद सकते हैं। दूध लिए उसके बाद फिर हम लोग चल दिए और देख सकती, इतना पटाखा फूट रहा था ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि लास्ट नाइट मैच था, अगर इंडिया जीत जाता तो और डबल सेलिब्रेशन होता है, तो खैर कोई ना, अपना महापर्व है तो आदमी थोड़ा अफसोस नहीं मनाएगा इंडिया का। फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा से ये होगा। फिर हम लोग अपने वहाँ पर गए घाट के पास और देख सकते हैं आप कितना पटाखा फूट रहा है। और यहाँ पर आंटी लोग बैठ के सब कोई गीत गा रही थी, जिसका आप मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी थोड़ा देर बैठे। उसके बाद फिर मैं बोली चलो पटाखा जलाते, तो यहाँ पे देखिए सब लोग पटाखा जला रहे, तो मैं भी आ गई जलाने के लिए। और साथ ही में हुआ एक एक्सपेरिमेंट, ये देखिए यहाँ पर पानी में हम लोग पटाखा छोड़े लेकिन हाथ जल गया। उसके बाद ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इसमें जलाने में। उसके बाद धीरे धीरे उजाला हो गया था, बैंड बाजा भी सब कुछ आया हुआ था। यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग सबको पानी में खड़े हैं कि थोड़ा सा सूर्य भगवान जी दिखे, तो सब लोग पानी में खड़े थे। मैं भी भगवान जी का इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार करते करते भगवान जी दिख गए। क्या आप लोग को दिखे क्या इस वीडियो में, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर हम लोगों ने अर्घ दिए, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अर्घ दे दिए। फिर गंगा माँ का पूजा किए, पहले आंटी पूजा की, उसके बाद फिर मैं पूजा की। पूजा करने के बाद धूप दिया, सब कुछ दिखाई, सब लोग पूजा करते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आरती की, भूल चूल माफ़ी मांगी। और फिर बहुत अफसोस भी लग रहा था अंदर अंदर कि अब फिर नेक्स्ट ईयर इंतज़ार रहेगा, बहुत ये लग रहा था। फिर उसके बाद सिंदूर लगाए, जो कि बहुत 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 अच्छा लगता है, तो आंटी से आशीर्वाद लिए, सिंदूर लगाए और खोइचा में अपना फल लिए। उसके बाद आंटी को शरबत पिलाए, क्योंकि 2 दिन का निर्जला व्रत करना बहुत कठिन बात है, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था, आप मेरा पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती कर भी रहे थे हम लोग। बहुत सारे जगह पे गए आंटी लोग से मिलने के लिए, बहुत लोग हैं अगल बगल में। यहाँ पे भी सिंदूर लगाया, आशीर्वाद लिए, दीदी भी आशीर्वाद ली, भाभी भी आशीर्वाद ली। फिर मैंने ठेकुआ खाया अपना खोइचा में दिया हुआ। फिर यहाँ पे एक दीदी मिल गई, वैसे तो मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी दिखेगा, इसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो है इसलिए मैं छोटा मोटा डाली हूँ। सब मेरे फ्रेंड लोग, फ्रेंड की छोटी बहन, उनके हस्बैंड, उसके बाद ये रही मेरी पलटन सब। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं अपने दोस्त के वहाँ पे सिंदूर लगाई, आशीर्वाद ली, यहाँ पे दीदी मिली। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे चलते चलते आंटी मिली, मतलब बहुत लोग मिलते बहुत अच्छा लगता। फिर मैं अपनी फ्रेंड के मम्मी लोग से मिलवाने के लिए अब सबको लेकर आई। फिर यहाँ पे सब लोग मिले, उसके बाद हम चले गए घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।